सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये सेकंड डे है हमारा श्रीनगर में, और आज हम लोग जा रहे हैं गुलमर्ग। और गुलमर्ग का हमारा जो है आज, मतलब उसने बोला है कि पूरा दिन ही लग जाएगा, नहीं तो हम सोच रहे थे कि आज दूध पथरी एक जगह है वो भी कवर कर लेंगे, लेकिन हमारे पास दिन भी कम है। लेकिन दूध पथरी का और गुलमर्ग का रास्ता पूरा अलग है, मतलब वो 65 किलोमीटर्स अलग रास्ता है और दूध पथरी का अलग रास्ता जा रहा है। तो उसने बोला है कि एक दिन में एक ही चीज़ हो पाएगी, तो ठीक है चलते हैं, आज का दिन शुरू करते हैं। और कल काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी, तो कल सिर्फ हमने शिकारा और निशात बाग और थोड़ा बहुत श्रीनगर देख के घर आ गए थे, मतलब होटल आ गए थे। तो अब जो है हमारा सेकंड डे है, आज देखते हैं क्या क्या कवर होता है। गुलमर्ग के अलावा आएंगे थोड़ा बहुत और श्रीनगर में ही आज घूमेंगे, उसके बाद जो है कल देखते हैं कल क्या करना है। अभी सोनमर्ग, पहलगाम और दूध पथरी एक जगह है वो रह गई है। देखो 2 दिन है, 2 दिन में देखते हैं क्या क्या कवर हो सकता है हमारा। कोशिश करेंगे कि 2-3 चीज़ें कवर हो जाएं, नहीं होती हैं तो कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे गाड़ी से, फिर कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। और अभी तो कमरा कुछ इस तरीके से मैसी मैसी सा हो रहा है, सब सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पर भी रात को थोड़ा बहुत सामान लाए थे खाने पीने के लिए, खाना जो आया था रात को थोड़ा बहुत खाया था, वो भी ऐसे ही बचा हुआ रखा हुआ है। फ़ोन चार्ज हो रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे वोल्टेज का इशू आ रहा है अभी, इसलिए टाइम लग रहा है। टीवी तो खैर हम लोगों ने चलाया ही नहीं, टीवी तो देखा ही नहीं। बाकी लाइटिंग वगैरह ठीक है, रात में लाइट चली गई थी, लाइट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जा रही है, लाइट की प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है। बाकी सबसे अच्छी बात, हमारा बेड हीटेड है और काफ़ी ज़्यादा, मतलब हमें इससे जो है मतलब अच्छा लग रहा है इसमें, और काफ़ी मतलब ठंड नहीं लगी हमें रात में, बल्कि मुझे तो यहाँ पर थोड़ी स्वेटिंग होने लगी थी रात में। तो ये है कि ठीक है, अच्छा है यहाँ का। और ये तैयार हो गए हैं आज के लिए, बस चलते हैं और उतरते हैं, पहले नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद जो है ड्राइवर हमारा नीचे वेट कर रहे हैं, फिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। हो गई तैयारी, ड्राइवर काफ़ी देर से नीचे हमारा वेट कर रहे हैं, सब चलते हैं। थोड़ा दबा के, गेट दबा के थोड़ा सा, यार पकड़ो उसको। चलते हैं नीचे, और देर हो गई, आओ। कुछ रह तो नहीं गया ना अंदर? ये इनका वाईफाई लगा हुआ है यहाँ पे, और ये काफी अच्छा व्यू है यहाँ पे बैठने का। कपड़े सुखा रखे हैं, सामने डल लेक दिख रही है, यहीं से ही हमें बहुत अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ पे। चलते हैं नीचे, फिर मिलते हैं आपसे गाड़ी में बैठ के। सो हे, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज है 4 मई और हम लोग जा रहे हैं गुलमर्ग की तरफ, और मौसम तो आज का काफ़ी अच्छा है, धूप निकल गई है। हमारा होटल EL क्लासिक के नाम से है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये हम लोग रोड पे आ चुके हैं, और कुछ श्रीनगर की रोड्स भी हमने देखी, मतलब इस तरीके से यहाँ पे मैनेज है कि ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा जो लोगों ने दिखाते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सही सब कुछ हिसाब है। और ये हम लोग चल चुके हैं गुलमर्ग की तरफ को। तो अभी हम लोग नाश्ते के लिए रुके हैं रास्ते में, हम लोग गुलमर्ग जा रहे थे तो नाश्ता अभी करना रहा, लेट हो गए थे। अभी हमने जो है ब्रेकफास्ट में ये पराठा मंगाया है, कर्ड है, और एक टोस्ट है, और 2 चाय है। और इनकी तबीयत ठीक नहीं है, दिक्कत हो रही है इनके पेट में, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बाकी जो है तो क्या दिक्कत है बताने में, खाना सूट नहीं कर रहा तुम्हें यहाँ का, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद चलते हैं, और ये हमारी चाय भी आ गई है। सर पानी कितना है, पानी रोटी कितना है? चाय आ गई, लो जी मेरी चाय दे दो। नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं गुलमर्ग की तरफ को। अभी तो टनमर्ग भी नहीं आया है, गुलमर्ग यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर है, तो चलते हैं वहाँ पर, फिर बताते हैं आपको आगे। नीचे टनमर्ग से ही हमने एक गाइड ले लिए थे, हमारा ड्राइवर बोला कि आप एक गाइड ले लीजिए। मुझे ऊपर जाके लगा कि इसकी कोई नीड नहीं थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बिना गाइड के ही जाइएगा, वो तो ड्राइवर ने हमारे बोल दिया था तो हमने ले लिया था। बाकी जो है नीचे से हमने बूट्स वगैरह ले लिए थे,
और अगर आपको बारिश वगैरह हो तो आप ड्रेस भी ले सकते हैं। बाकी गाइड की ऐसी कोई नीड नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको दे दी। एटीवी बाइक ले ली है और एटीवी बाइक की राइड चल रही है। दो एटीवी बाइक हमने ली हैं और व्यू आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। अभी हम लोग एक व्यू पॉइंट पर रुके हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं हमारी भाई ने, जो भाई हमें यहाँ पे लेके आए हैं। इन्होंने इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट कर दूँगा, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे देख लीजिएगा। रहमान रॉयल रहमान डॉट 786 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और मैं मेंशन कर दूँगा अपनी लिंक में, आप उसमें जाकर डिस्क्रिप्शन से फॉलो कर सकते हैं। तो व्यू तो काफ़ी अच्छा आ रहा है, सर्दियों से ज़्यादा यहाँ गर्मियों में अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी में इतना आके तो काफ़ी अच्छा व्यू है, मतलब दिल खुश हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप आ रहे हो तो गंडोला राइड ही सब कुछ है यहाँ पर गुलमर्ग में, आप लोग नॉर्मल भी आ सकते हो, ठीक है। एटीवी राइड से आया हूँ मैं, इन्होंने 2000 रुपीज़ चार्ज किया है मेरे से और अभी ये एक घंटे की राइड है मेरी। एक व्यू पॉइंट पे हम रुके हैं, बाकी अभी और भी व्यू पॉइंट्स हैं। मैं एक प्रॉपर वीडियो घर जाके बनाऊँगा कश्मीर की कि मेरा किस चीज़ में क्या क्या खर्चा हुआ, बाकी मैं वीडियो में साथ साथ आपको प्राइसिंग बताता रहूँगा। तो मैंने एटीवी राइड बुक करी थी और हाँ, हमने एक गाइड भी किया था, मैंने आपको अभी बताया भी, जो गाइड हमने किया था वो हमने 500 रुपीज़ में किया है टनमर्क से। और थोड़ी मेरी सांस फूल रही है यहाँ पे, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। बाकी ये है कि टनमर्क में ही हमें बूट्स भी मिल गए थे तो हमने बूट्स भी ले लिए थे वहीं से। और जो है ठीक है, आगे इंजॉय कर रहे हैं हम लोग, आगे आपको दिखाते हैं कुछ काम का होता है तो। तो ये हम लोग आ गए हैं परी महल, और परी महल तो पता नहीं, इसमें कह रहे हैं कि परियां रहती थी, पता नहीं क्या सीन है। जो भी हो व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है यहाँ से, ये है व्यू। अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के आपको दिखाते हैं। ये ऊपर का मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ, व्यू देखिए कितना अच्छा आ रहा है यहाँ से। थोड़ा हम और ऊपर जा रहे हैं अभी, देखें क्या है ये, इतना खास इस परी महल में अभी तक तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं। बाकी किसी को कुछ पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, थोड़ी नॉलेज भी बढ़ेगी और लोगों की भी जो यहाँ का हो वो ज़रूर बताएं।
तो ये हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए हैं परी महल के, और अब आप व्यू देखो कितना अच्छा आ रहा है। सांस फूल गई ऊपर आने में। ये व्यू यहाँ से, और सामने ये जो है ये टुलिप गार्डन करके एक है, ठीक है। ये पहाड़, तो इसी के साथ मिलते हैं एक नए ब्लॉग में कल। आज का ब्लॉग यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा थक गया हूँ, मन नहीं है ब्लॉगिंग करने का। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नए व्यू के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए रहमान ड्राइव्स, कीप वॉचिंग और सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।